ओके सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है सेशन के अंदर। सो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर आ रही है? फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस। सो वेलकम है आप सबका इस सेशन के अंदर। होप आप सब बढ़िया होंगे। सो प्लीज अपनी अपनी सब वीडियो ऑन कर लीजिए एंड जिसने भी इन्वाइट किया प्लीज उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमें यहाँ पे 2 CC प्लान दिया जाएगा। सो आपने हमारे कई सारे वेबिनार्स देखे होंगे, आपने हमारा 12 बजे का वेबिनार देखा होगा, हमारा आपने 4 बजे का वेबिनार देखा होगा, 9 बजे का वेबिनार देखा होगा। आपकी वाई तो क्लियर होगी होगी और आपको काफी हद तक ये भी क्लियर हो गया होगा कि आज मार्केट में पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी आज के डेट में 10 से 15,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा दिन में धक्के आए कमा रहा है और अनपढ़ आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके कमा रहा है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये बिजनेस करना क्यों है, बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं अब ये डाउट होगा कि अब करें क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब आगे क्या करना है। 12 बजे का वेबिनार भी देख लिया, 4 बजे का वेबिनार भी देखा, 9 बजे का भी देखा, सब कुछ देखा, अब आगे क्या करना है। तो आज आपको यहाँ पे 2 CC प्लान दिया जाएगा जिसको हम मनी मेकिंग प्लान भी बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान भी बोलते हैं। तो आपको एक एक चीज पूरी डीपली क्लियर की जाएगी। तो आप एक जगह पे बैठ जाइए, ईयरफोन या हेडफोन जो लगाना चाहते हैं लगा लें अपने, और नोट्स जरूर बनाएं। जो भी आज मैं आपको कुछ चीजें लिखवाने वाला हूँ तो सभी डायरी ले आए। अगर आप डायरी ले आए तो प्लीज एक बार रेज हैंड करके मुझे बता दीजिए। ओके, अमेजिंग। सो तो कई लोग ये वेबिनार लाइव देख रहे होंगे, कई लोग इनफैक्ट ये वेबिनार रिकॉर्ड भी हो रहा है तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वॉइस वीडियो सब क्लियर आ रहा है तो आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। सो वेलकम आप सबका इस सेशन के अंदर। सो आज आपको मैं प्लान पूरा A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहे सेशन के अंदर क्योंकि एक भी चीज आपने मिस की तो आपको पूरा आपको सारा जितना टाइम आपने अभी तक हमारे हमें दिया है वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो एक भी चीज को आपने मिस नहीं करना। तो स्क्रीन शेयर करते हैं एंड स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करते हैं। सो आर यू ऑल रेडी? रेडी हैं? ओके, डायरी पेन के साथ, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं, तो आप लिख सकते हो, तो कई लोग इसको बोलते हैं मनी मेकिंग प्लान। मनी मेकिंग प्लान एंड कई लोग इसको मार्केटिंग प्लान भी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली कई लोग सोचते हैं कि यार यह पैसा आता किस बेसिस पे है, मतलब ऐसा यहाँ पे आपको बोला गया यहाँ पे रेकमेंडेशन का बिजनेस है कि आपको रेकमेंडेशन करनी है, मतलब ऐसे भी क्या रेकमेंडेशन की कि यहाँ पे इतना सारा पैसा आता है। क्योंकि आपको अगर क्लियर हो तो मैं बहुत यंग एज में 9 to 10 lakh रुपीज मंथली कमा रहा हूँ थ्रू माय सोशल मीडिया, थ्रू माय फोन, थ्रू माय लैपटॉप, थ्रू माय कप ऑफ कॉफी। तो किस बेसिस पे मुझे पैसा आ रहा है, कई लोगों को ये डाउट होगा, काफी सारे लोगों को डाउट होगा कि पैसा आता किस बेसिस पे। मतलब फोन तो ठीक है, स्मार्टफोन तो ठीक है, बट हमारे पास स्मार्टफोन है, हम भी कमाना चाहते हैं, कैसे? तो मैं आपको एक ही चीज क्लियर करूंगा कि मार्केट में भी एक बिजनेस चलता है, एक बिजनेस फॉरएवर का भी है। तो जो मार्केट में बिजनेस चलता है उस बिजनेस का नाम होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। क्या नाम होता है इस बिजनेस का? ट्रेडिशनल बिजनेस। लेट्स सपोज मैं आपको सारा क्लियर करूंगा एक एक चीज को। ओके, सो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं जो मार्केट में चलता है। ओके, सो अगर हम बात करें जो मार्केट में बिजनेस चलता है उस बिजनेस का नाम है ट्रेडिशनल बिजनेस। मेरी हैंडराइटिंग क्लियर हो रही है सभी को? ओके, एंड दूसरी साइड क्या है? FLP, जिसको हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो दो तरह के बिजनेस हो गए, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बिजनेस एंड सेकंड इज FLP, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा समझे क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? ओके, सो मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, मैं फिर रब कर रहा हूँ, फिर से लिखने लगा हूं। पहले नंबर पे क्या आता है? आप की तरह मैं भी बैक बेंचर सही हूं, मतलब ठीक है, तो राइटिंग में मत जाना इतनी, राइटिंग मेरी ऐसी ही है। सेकंड नंबर पे आता है FLP, जिसको हम बोलते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो पहले नंबर पे क्या आता है? ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी एक चीज बनती है तो पहले नंबर पे आता है मैन्युफैक्चर। कौन आता है? मैन्युफैक्चर। आप प्लीज अपनी अपनी डायरीज में कॉपी में प्लीज लिखें मैन्युफैक्चर। सेकंड नंबर पे आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, देन आता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, देन आता है होलसेलर, देन आता है रिटेलर। ओके, देन आता है रिटेलर,
देन सबसे ज्यादा जो चीज आती है जहां पे वो उसको बोलते हैं पैसा लगता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, और लास्ट में आता है कंज्यूमर या फिर कस्टमर. ओके, सो बताने का मतलब क्या, अगर मैन्युफैक्चर की डेट में बात की जाए, अगर कोई चीज बनती है 10 रुपए की, कोई भी चीज अगर 10 रुपए की बनी है, तो हमारे तक आते आते वो चीज कितने की हो जाएगी, 100 रुपए की. ठीक है जी, अगर 10 रुपए की चीज बनी है तो हमारे तक आते आते वो चीज कितने की होती है, 100 रुपए की. मतलब बताने का मतलब क्या है, जो 90% पैसा है, 90% जो पैसा है वो इन लोगों में बांटा जाता है. बताने का जस्ट सिंपल है. अभी राइट नाउ ओके, मैंने ये फोन खरीदा था. ओके, तो ये जो मेरा फोन है, ओके, ये सोने का फोन है जो दुबई से मैंने मंगवाया है, 24 कैरेट. तो इसका जो प्राइस है ये है 3 लाख रुपए का. ओके, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा हो तो आपको पता भी होगा, तो ये 3 लाख रुपए का फोन है, बट एक्चुअल में ये 3 लाख का नहीं है. ये कितने का होगा, ये 1-1.5 लाख का होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का होगा. 1.5 लाख तो फोन की कॉस्टिंग है जो आईफोन ऊपर से आता है. ओके, बाकी क्या है, 1.5-2 लाख का होगा. बीच में उसके बाद क्या आया, कुछ लोगों ने अपने कमीशन रखी. ओके, कुछ लोगों ने अपना पैसा बीच में मार्जिन रखा, तो जाके मुझे ये फोन 3 लाख रुपए का मिला. तुम बताने का मतलब क्या है, सिंपल दूसरे वे में अगर मैं बताऊं तो लक्स का साबुन सभी जानते हैं. ओके, कैटरीना कैफ ऐड करती है मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स साबुन, तो वो 10 रुपए का साबुन करती है ना, 10 रुपए का साबुन. तो एक्चुअल में वो 10 रुपए का नहीं है, वो 1 रुपए का है, बट हमारे तक आते आते वो चीज कितने की हो जाती है, 10 रुपए की हो जाती है. समझ आ रहा है सभी को, सेम जो हमने कपड़े भी पहनने हैं, इसका प्राइस कुछ और होता है, बट हमारे तक आते आते महंगा हो जाता है, क्योंकि सबने अपना अपना कमीशन रखा. किस किस ने अपना कमीशन रखा, पहले नंबर पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कमीशन रखा, फिर रीजनल ने रखा, फिर होलसेल ने रखा, फिर रिटेलर ने रखा, फिर एडवर्टाइजमेंट भी तो ही. अब कैटरीना कैफ ने उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करता है, सलमान खान एडवर्टाइजमेंट करता है, थम्स अप की, हर एक चीज की एडवर्टाइजमेंट होती है. तो वो क्या फ्री में कर देते हैं, लक्स वाले को बोलेगी कैटरीना वो भी तुम तो मेरी मासी की लड़की हो है ना, मासी के आ जाओ कर दो, फ्री में कर दूंगी मैं. नहीं ना, वो करोड़ों रुपए लेते हैं, बट वो कौन पे करता है, एट लास्ट वो पैसा कौन पे करता है, किसकी जेब से जाता है, वो जाता है हमारी जेब से, जिसको बोलते हैं कस्टमर. ओके, सो एट लास्ट कौन आता है, कस्टमर. यहां तक सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को, इतना क्लियर हो गया सभी को, एक बार मुझे बता दीजिए क्या आप सबको इतना क्लियर हो गया, यस नो. ओके, थैंक यू सो मच. अब हम बात करते हैं आगे फॉरएवर की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरएवर. अब फॉरएवर में क्या, फॉरएवर में भी पहले नंबर पे आती है मैन्युफैक्चर. फॉरएवर में भी क्या है, पहले नंबर पे आता है मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चर के बाद कौन आ जाता है, एफबीओ. एफबीओ का मतलब क्या है, फॉरएवर बिजनेस ओनर. मतलब कि कौन, हम आ जाते हैं, आप आ जाते हो, मैं आ जाता हूं, जो आपके अपलाइन है वो आ जाते हैं, एंड लास्ट में आता है कस्टमर. मैन्युफैक्चर जहां पे प्रोडक्ट बना, ओके, देन सीधा प्रोडक्ट 90% लोगों को छोड़ के फॉरएवर ने सीधा जो प्रोडक्ट है वो सीधा हमें दिया. मतलब जो 90% पैसा बाहर अलग अलग सेक्टर्स में लगता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, जो पैसा बाहर वो लोग कमाते हैं, ओके, वही पैसा यहाँ पे फॉरएवर किसको दे देती है, जो 90% पैसा यहाँ पे ये वाले लोग, दिस वन, जो 90% पैसा बाहर फॉरएवर इन लोगों, बाहर कंपनी इन लोगों को देती है, वही फॉरएवर यहाँ पे हमें देती है. मतलब हम ही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम ही सलमान खान है, हम ही शाहरुख खान है, हम ही सब कुछ है. कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फॉरएवर एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फॉरएवर जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगता है वो पैसा हमें देती है, एंड लास्ट में हम आए थे कस्टमर. कभी आपने देखा फॉरएवर को टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट करते हो, कभी आपने बैनर देखे हो फॉरएवर के, काफी सारे लोग तो फॉरएवर को जानते भी नहीं होंगे. कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फॉरएवर में आने के बाद उन्हें पता लगा कि कुछ फॉरएवर का भी, फॉरएवर जैसा भी कुछ है. जब मैं 2018 में इस बिजनेस में आया था, मेरे को भी यही था कि यार मैंने सुना ही नहीं कभी इसके बारे में. तब मुझे पता लगा यार लैम्बोर्गिनी भी जो है ना, वो भी कभी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती. आर यू गेटिंग मी, लैम्बोर्गिनी भी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती. तो जो 90% पैसा बाहर मार्केट में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है, वो ही 90% पैसा यहाँ पे हमें मिलता है. तो इज दैट क्लियर, सभी ने लिख लिया, सभी प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होती रहे. अब हम आगे चलते हैं. ओके, सो जिस बिजनेस के अंदर हम आए हैं,
जिस बिजनेस के अंदर हम आए हैं FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, कई लोग इसको FLP बोलते हैं, फॉरएवर लिविंग बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। ये आपकी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं आपके साथ। कितने तरह के लोग आते हैं? दो तरह के लोग आते हैं आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करने। ओके, फर्स्ट नंबर पे जो लोग आते हैं आपके साथ ज्वाइन करने, मैं आपको सारा क्लियर करूंगा, एक एक चीज को ध्यान से समझना आपने, क्योंकि ये लास्ट सेशन है आपका। ओके, तो दिस इज यू, ये आप हो। ओके, तो दो तरह के लोग आएंगे आपके साथ। पहले नंबर पे जो लोग आएंगे वो आएंगे PU, एंड सेकेंड नंबर पे जो लोग आएंगे वो आपके साथ आएंगे BO। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PU एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस BO? PU का मतलब होता है प्रोडक्ट यूजर। क्या मतलब होता है PU का? प्रोडक्ट यूजर। ये वो लोग हैं जो बोलेंगे हमें बिजनेस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं करना कोई बिजनेस, बट हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे आपके, हमें आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, हम आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। कई अब 40-50 साल का कोई पर्सन है, बुजुर्ग है, 60-70 साल का कोई बुजुर्ग है ना, तो वो उसको बिजनेस नहीं करना, बट उसको प्रोडक्ट चाहिए, उसको एलोवेरा की नीड है, उसको हनी की नीड है, उसको कैल्शियम की नीड है, उसको अलग अलग विटामिन की, न्यूट्रिशन की नीड है। अब वो कह रहा है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे सिर्फ आपका प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आपका सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो वो पर्सन किस कैटेगरी में आएगा? प्रोडक्ट यूजर। ओके, सेकंड नंबर पे क्या है? काफी सारे अब 10% लोग ही होंगे जो आपके साथ आएंगे PU, सिर्फ 10%, 10 से भी कम, बहुत कम, अब तो आते ही नहीं पर्सन PU वाले। ओके, BO, BO का मतलब होता है बिजनेस ओनर। ये वो लोग होंगे जो बोल लेंगे हमें इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, हमें इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, हम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एंड मानिक सर आपकी तरह पैसा कमाना चाहते हैं। तो 90% जो लोग आएंगे आपके साथ वो आएंगे बिजनेस ओनर। इनफैक्ट इस वेबिनार के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करने आए हो? आप पैसा कमाने आए हो, समझ नहीं मेरी बात को? सो मैक्सिमम लोग जो हमें मिलेंगे यहाँ पे वो हमें कौन से मिलेंगे? जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट तो अपने आप मिल जाएंगे ना, मतलब जब हम बिजनेस की फ्रेंचाइजी सेल करेंगे तो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए, वो मैक्सिमम जो फोकस है गेम चेंज 23 का, वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, वो कहां पे फोकस है? फ्रेंचाइजी सेल करने में। इनफैक्ट आपका भी सेम यही फोकस होगा। चलें आगे, यहां तक क्लियर हो गया सबको? दो तक कितने तरह के लोग आते हैं? दो तरह के लोग आते हैं, एक आता है PU और एक आता है BO। PU का मतलब होगा प्रोडक्ट यूजर, BO का मतलब होगा बिजनेस ओनर। ऑल सेट, ऑल सेट, चलें आगे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। नाउ अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट्स ले जाइए साथ में। ओके, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। आपने बार बार सुना होगा एक वर्ड यहाँ पे, बार बार आपके आपको यहाँ पे पता लगा होगा, सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं 2CC, 4CC, 5CC, मतलब ये बार बार एक वर्ड सुनने को आ रहा है, ये सीसी यानी है क्या? सीसी एक्टिवा की बात हो रही है क्या? 150cc बुलेट की बात हो रही है क्या? 350cc ये है क्या? व्हाट इज दिस सीसी? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कई लोगों को समझ में आती है सीसी क्या है। कितने लोग यहाँ पैसे जिन्हें नहीं पता सीसी के बारे में? सीसी कितने लोग यहाँ पैसे जिन्हें सीसी के बारे में नहीं पता? सुना है आप सभी ने, हर रोज सुनते हो सीसी सीसी सीसी, बट पता नहीं अरे है क्या। तो सीसी का मतलब क्या? प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर ले गाइस, नहीं तो आपको सेशन से रिमूव कर दिया जाएगा। प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर, स्पेशली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। सीसी का मतलब क्या होता है? कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओके, मीनिंग ऑफ सीसी इज कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। ये जो बिजनेस है ये राइट नाउ अगर देखा जाए तो 165 प्लस कंट्रीज में है कि नहीं है? हर एक कंट्री में बिजनेस चल रहा है, 165 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब हर एक कंट्री के अलग अलग करेंसी है, कहीं पे दिरहम चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे पौंड चल रहा है, कहीं पे यूरो चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में रुपीज चलते हैं, मानते हो बात को? हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट करेंसी है, कहीं पे दिनार चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है। अब कंपनी ने क्या किया, ये जो वेबिनार है सेम इंडिया वालों के लिए भी और पाकिस्तान वालों के लिए भी है, दोनों के लिए बराबर समझा रहा हूं मैं, चीजें सेम है। अब क्या किया कंपनी ने, क्या किया कंपनी ने, एक
टर्म निकाल दी जिसको बोलते हैं सीसी। सीसी का मतलब क्या कर दिया कंपनी ने, कॉमन करेंसी या फिर केस कैरेट। ओके, जैसे अब हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, जैसे अब कहीं पे चल रहा है द्राम, कहीं पे चल रहा है डॉलर, कहीं पे चल रहा है पौंड, कहीं पे चल रहा है यूरो, कहीं पे चल रहा है रुपीस। तो कंपनी ने क्या किया, हर एक कंट्री की जो करेंसी है, जो पैसे की वैल्यू है, उसे कॉमन कर दिया, तो मतलब कर दिया सीसी। तो समझाने का मतलब क्या, जैसे हर एक प्रोडक्ट के कुछ पॉइंट रखे गए, जैसे एलोवेरा जेल के पॉइंट रखे गए 0.102, हनी के पॉइंट रखे 0.105। अब ये जो पॉइंट है ना, ये हर एक वर्ल्ड में सारी कंट्रीज में सेम है, अमेरिका में भी सेम है, जापान में भी सेम है, मलेशिया में भी सेम है, साउथ अरेबिया में भी सेम है, इंडिया में भी सेम है, पाकिस्तान में भी सेम है, बट इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हर एक प्रोडक्ट कुछ पॉइंट रखे गए, जैसे एलोवेरा जेल के रखे 0.102, हनी के रखे 0.105, अलग अलग पॉइंट्स रखे। जब 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं, जब मैं बोलता हूँ कि मैंने 1000 सीसी का थाउजेंड्स का बिजनेस कर लिया, तो जब मैं 1000 पॉइंट्स हो जाते तो बनता है 1 सीसी। जब 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो बनता है कितना, 2 सीसी। ओके, 1000 इज इक्वल टू 1 सीसी, 2000 इज इक्वल टू 2 सीसी। जब मैं बोलूंगा कि मैंने 1 सीसी का बिजनेस कर लिया, तो इंडियन करेंसी में बोला जाएगा कि मैंने 17000 रुपए का बिजनेस कर लिया। एक सीसी की जो कॉस्ट है इंडियन करेंसी में, कौन सी करेंसी में, इंडियन करेंसी में, दैट इज अराउंड अराउंड 1 सीसी की जो कॉस्ट है, इट इज अराउंड अराउंड 17000 रुपीज। प्लीज सभी चैट बॉक्स में टाइप करें 1 सीसी इज इक्वल टू 17000। फर्स्ट पाकिस्तान करेंसी की भी बात की जाएगी बट आगे। ओके, अभी आप पहले इंडिया का समझे, पाकिस्तान का भी मैं आगे बताऊंगा सारा कुछ। ओके, 1 सीसी की प्राइस कितना है, 1 सीसी इज इक्वल टू 17000। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है। 1 सीसी इज इक्वल टू 17000। ओके, अमेजिंग। अगर कॉस्ट ऑफ 1 सीसी इज इक्वल टू 17000, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 सीसी। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स, अगर कॉस्ट ऑफ 1 सीसी इज इक्वल टू 17000, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 सीसी। सिंपल, हाउ टू कैलकुलेट, सिंपल, अगर 1 सीसी कॉस्ट 17000 है, तो 2 सीसी कॉस्ट कैसे होगी, 17000 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ओके, सो टू कॉस्ट ऑफ 2 सीसी इज इक्वल टू 34000। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 4 सीसी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 सीसी, 17000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 68000। क्लियर, किसी को कोई डाउट? अब ऐसे मुझे अगर 50 सीसी का निकालना हो, 50 का निकालना हो, 100 का निकालना हो, मैं निकाल सकता हूं क्या ना? अगर मैं बोल लूं कि मैंने 100 सीसी की टर्नओवर की, 100 सीसी का बिजनेस किया, तो कितने सीसी का बिजनेस किया, कितने पैसों का बिजनेस किया, 17000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़। ओके, 17 समथिंग। ओके, समझ रहे मेरी बात को, मतलब जितना जितना आप सीसी के हिसाब से आपका चलता रहेगा, अब मैं ऐसे 50 को मल्टीप्लाई कर लूं, जितने मर्जी मल्टीप्लाई करूं, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। सो यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। मैं फिर से समझा देता हूं, सीसी, सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। ये जो बिजनेस है 165 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी है, कहीं जैसे दुबई में दिराम चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे रुपीज चलता है। तो कंपनी ने क्या किया, हर एक कंट्री की जो करेंसी है उसे कॉमन कर दिया। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे एलोवेरा जेल के पॉइंट होते हैं 0.102, हनी के पॉइंट है जैसे 0.105। जब 1000 सीसी का बिजनेस होता है तो कितना होता है, 1 सीसी। जब 2000 सीसी का बिजनेस होता है तो कितना होता है, 2 सीसी। 1 सीसी की कॉस्ट कितनी है, कितनी है 1 सीसी कॉस्ट, 17000। 2 सीसी की कॉस्ट कितनी है, 34000। ऑल सेट, क्लियर है, क्लियर है, चले आगे। अमेजिंग, मैं सही समझा रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, मैं समझ आ रहा है सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। ओके, तो 1 सीसी कॉस्ट 17000 हुई, तो 2 सीसी की कॉस्ट कितनी होगी, 17000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34000। जब मैं बोलूंगा कि मैंने 2 सीसी के टर्नओवर की है, इट मींस मैंने क्या है, 34000 का बिजनेस किया। ओके, ओके, चलो ऑल सेट।
नाउ लेट्स मूव अहेड. यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? टाइप फाइव कर दो अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो. टाइप फाइव कर दो अगर यहां तक क्लियर हो गया आपको. ओके चलो ठीक है. सो जब आप इस बिजनेस में स्टार्टअप करते हो, जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, आपकी एक आईडी बनती है. जो आईडी की जो वैल्यू है दैट इज 12 डिजिट की एक आईडी बनती है. ओके सभी की बनी होगी, सभी की आईडी बनी है. जब यहाँ पे आपने स्टार्टअप किया होगा, आपको फॉरएवर की तरफ से जीमेल के ऊपर मेल आई होगी वेलकम टू फॉरएवर, और आपकी 12 डिजिट की आईडी बनी होगी. बनी है सभी की? मोस्टली सभी की आईडी बनी होती है यहाँ पे. ओके आप जब यहाँ पे हमारे साथ गेम चेस 23 में 3 डेज का वेबिनार अटेंड करके जब पेमेंट करते हो तो आपकी एक आईडी बनती है. पाकिस्तान की जो आईडी है वो मिडिल ईस्ट मतलब या फिर दुबई से बनती है, एंड जो इंडिया की आईडी है वो फॉरएवर की एक ऐप है FLP इंडिया, वहां से बनती है. ऑल सेट बनती है आईडी. हर एक की आईडी डिफरेंट डिफरेंट है. मेरी आईडी डिफरेंट है, आपकी आईडी डिफरेंट है, जो आपके साथ वाली खिड़की में पर्सन बैठा है उसकी आईडी डिफरेंट है. हर किसी की आईडी डिफरेंट डिफरेंट होती है. ओके तो ये 12 डिजिट की आईडिया बनती है. तो जो 12 डिजिट की आईडी है इसी आईडी के ऊपर आपका सारा का सारा बिजनेस स्टार्ट होता है. जो आपकी आईडी, जो आईडी मेरी 2018 में बनी थी वही आईडी मेरी आ जाए, समझ मेरी बात को. आज 2021 चल रहा है, वो जो आईडी मेरी तब बनी थी 2021 में, आज 2021 चल रहा है, चाहे 2022 चल रहा है, चाहे 2023 चल रहा है, जो आईडी मेरी तब बनी थी वही आईडी मेरी आज है. ओके सेम जो आपकी आईडी है उसी आईडी के ऊपर आपको अपना सुपरवाइजर डन करना है, उसी आईडी के ऊपर आपको अपना असिस्टेंट मैनेजर डन करना है, उसी आईडी के ऊपर आपको मैनेजर डन करना है. ऑल सेट चले आगे. ओके सो व्हाट इज द मार्केटिंग प्लान नाउ. तो 12 डिजिट की आईडी बनती है, तो कैसे अब स्टार्टिंग होती है हमारी, कैसे किस वे से स्टार्टिंग होती है, तो आपने एक ही चीज को ध्यान से समझना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. ओके जी तो स्टार्टिंग होती है हमारी एक लेवल से जिसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर. जब आप अपनी आईडी लगाते हो इस बिजनेस के अंदर, ओके, तो साथ में आपको एक डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, एमआरपी के ऊपर, दैट इज अराउंड 5%. कितने का डिस्काउंट मिलता है आपको? 5% का. ये वो लोग हैं कौन से? पीयू याद है? सिर्फ जो पीयू मतलब सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं उन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर. जब तक आपका 2CC लेवल आपकी आईडी पे डन नहीं हो जाता, जब तक आपकी आईडी के ऊपर आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल नहीं हो जाता, आप प्रेफर्ड कस्टमर ही रहते हो. क्या रहते हो? प्रेफर्ड कस्टमर. प्रेफर्ड कस्टमर को जो डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से आईडी लगवाने पे, वो मिलता है 5% का. कितने का? 5% का डिस्काउंट मिलता है एक प्रेफर्ड कस्टमर को. ओके सो क्या यहाँ पे सब कस्टमर बन के रहना चाहते हैं? हाँ जी. पीयू रहना चाहते हो कि बीओ बनना चाहते हो? पैसा कमाना चाहता तो मैं बीओ बना था. बीओ का मतलब है बिजनेस ओनर. बीओ का मतलब होगा बिजनेस ओनर. तो लाइफ में आपको वन टाइम, अगर आपको अपना बीओ बनना है तो लाइफ में आपको वन टाइम मतलब फॉरएवर कहते हैं, जिंदगी में एक बारी आपको अपनी 12 डिजिट की आईडी के ऊपर, जिंदगी में एक बारी 2CC की टर्नओवर करके दिखानी पड़ेगी. कितने सीसी की? 2CC की टर्नओवर जब आप जिंदगी में एक बारी फॉरएवर को करके दिखाते हो, तो फॉरएवर आपको एक लेवल दे देती है जिसको बोलते हैं 2CC मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. कौन सा लेवल? असिस्टेंट सुपरवाइजर. असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है. ओके इस लेवल के बाद आपके पास पहले नंबर पे आ जाता है लाइसेंस. आपके पास 165 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस मिल जाता है जैसे ही आप अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करते हो अपनी आईडी पे. जिस दिन आपका अपनी आईडी पे 2CC लेवल क्वालिफाई हो गया, आप बन गए यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आप कैसे करना है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, कैसे आपको 2CC टर्नओवर करनी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप. ओके तो जैसे आप अपना 2CC लेवल करते हो अपनी आईडी के ऊपर, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर. आपके उस 165 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस आ जाता है, मतलब इंडिया से हो, पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, कहीं पे भी है, आप घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू आप जिंदगी दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हो. आई एम फ्रॉम पंजाब हुशियारपुर फ्रॉम इंडिया, एंड फ्रॉम इंडिया ओनली मैं अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहा हूँ.
ओके जी, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहा है। कैसे? मेरे पास लाइसेंस है। प्लस इसके अलावा लाइसेंस तो मिल ही जाता है, प्लस दूसरी जो चीज हमें सबसे बेस्ट मिलती है वो ये मिलती है, अब हम किसी को भी आगे बिजनेस दे सकते हैं, किसी को भी आगे बिजनेस बता सकते हैं। कैसे? चलो वो भी बताता हूँ आपको। ओके, तो जैसे ही आप किसी को बिजनेस आगे, मतलब कैसे, जैसे ही आपका 2CC लेवल हो जाता है तो क्या मिलता है आपको 2CC लेवल करते ही? तो पहली चीज आपको जो मिलती है वो मिलती है 30% का डिस्काउंट मिलता है आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे 5% था, 5% सीधा 30% हो गया। देन 5% आपको कैशबैक मिलता है, ओके, जिसको हम वो बोलते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया उसके ऊपर 5% आपको कैशबैक मिलता है, एंड 30% आपको प्रॉफिट आता है, कमीशन आती है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से। मतलब जब कोई नया पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है आपको उससे 30% आता है। कितने परसेंट? 30%। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे हो कितना सर, एक बंदे से हमें कितना आएगा? अगर एक पर्सन भी आपके साथ ज्वाइन करता है तो कितना आएगा? यू नो व्हाट इज अमाउंट? कैलकुलेट करें, चलो आपको कैलकुलेट करते हैं। किसी भी पर्सन ने पूरी दुनिया से, कहीं से भी, चलो इंडिया से अगर बात करें, अगर किसी ने आपके साथ 34,000 की टर्नओवर की है आपके डाउन में, तो आपको उसका 30% आएगा, मल्टीप्लाई बाय 30%। तो आपको एक पर्सन से कितना मिल रहा है? 10,200 रुपए एक पर्सन से, सिंगल पर्सन से, पूरी दुनिया से वो कहीं से भी हो, आपको 10,200 रुपए आ रहे हैं। कैसी अमाउंट है, कैसी अमाउंट है? अब आप सबको बिजनेस अच्छा लगा, अच्छी अमाउंट है, हाँ जी, बहुत अच्छी अमाउंट है। जो पाकिस्तान की करेंसी है उस हिसाब से आपको 15,000 से 20,000 मिलेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डिफरेंट होगी। एक पर्सन को अगर इंडिया में बात करें 10,200 मिल रहा है, पाकिस्तान में बात करें तो 20,000 से ऊपर ही मिल रहा है। अब बात करते हैं, अब आप सबको बिजनेस अच्छा लगा, अभी तक जितने भी आपने वेबिनार्स अटेंड किए, बिजनेस देखा, अच्छा लगा, अभी बहुत कुछ बताना है मैंने, नींद नहीं आने वाली आपको जो जो मैं बताऊंगा ना इससे, क्योंकि फॉरएवर बहुत बड़ा समुंदर है। अब आप सबको बिजनेस अच्छा लगा, अब आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी मंथ अगर आप आज से बिजनेस स्टार्ट करते हो हमारे साथ, 2CC लेवल डन करते हो, ओके, तो आपके पास क्या एक पावर आ गई, क्या आ गई? एक पावर आ गई। अब आप आगे किसी को भी आगे बिजनेस बताते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया में 5 लोगों को भी आप बिजनेस बताते हो, 1, 2, 3, 4, 5 5 लोगों को भी आप बिजनेस बताते हो, कैन यू इमेजिन कितना पैसा आएगा आपको सिर्फ रेकमेंड करने का, सिर्फ उन्हें बिजनेस बताने का, क्योंकि 95% काम गेम चेंजर्स आपको करके देता है, ये ग्रुप आपको करके देते हैं पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ये एक इकलौता ऐसा ग्रुप है जो आपको सारा कुछ करके देता है। ओके, एक पर्सन से कितना आ रहा था हमें, सभी को ये दिख रहा है, 34,000 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना हुआ, 10,200 मल्टीप्लाई बाय 5 51,000 रुपीज आप पहले ही महीने यहाँ पे कमा सकते हो, और यहाँ पे लोग कमा भी रहे हैं। कैसी अमाउंट है, मिलता है बार, हाँ जी मिलता है बार, सिर्फ 5% को अगर आप बता रहे हो, सिर्फ 5% को, और ये कहीं से भी हो सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने अपलाइन के अननोन है, मतलब अपने अपलाइन जो उनको लेके आए उनके अननोन थे, उन्हें नहीं जानते थे, समझ रहे हो? अब आप एक बात सोचो, आप जैसे आए हो वैसे और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, आप ज्वाइन नहीं किए, आपने ज्वाइन किया ना, पूरी दुनिया में अब और भी बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह आएंगे। एक पर्सन भी आपके साथ आ रहा है तो आपको 10,200 आ रहा है। अब आप जब ज्वाइन करके अपना 2CC लेवल करोगे तो आपके अपलाइन को आप ही के थ्रू 10,200 रुपया मिलेगा, समझ रहे हो बात को? उसको तो फ्री में मिला ना, क्या 95% काम तो हमने करके दिया आपको, ग्रुप सारा आपने हमें देखा, उसने क्या किया आपको, सिर्फ आपको वेबिनार्स के साथ कनेक्ट कराया, इस बिजनेस के साथ कनेक्ट कराया, जहां पे वो आपको कनेक्ट करा सकता है वो और भी लोगों को कनेक्ट करा सकता है, यस या नो? अब बताओ अर्निंग ही अर्निंग है, प्रॉफिट है कि लॉस है? बहुत सारा प्रॉफिट है, सिर्फ सलाह देने से 10,000 रुपए आ रहा है, सिर्फ सलाह देने से। नेक्स्ट चले, ये तो पहला लेवल था, ये तो पहला लेवल था, अगले लेवल पे चलते हैं। इस बेसिस पे हम यहाँ पे 10,000,000 रुपए कमा रहे हैं, इस बेसिस पे सिर्फ सलाह देने से 10,000,000 रुपए आ रहा है, क्योंकि मेरे को अकेले अपनी टीम से नहीं,
टीम की टीम से भी आ रहा है, टीम की टीम की टीम से भी टर्नओवर आ रही है। अब जैसे आप हो, अब कल को क्या है, अब आप अपने 5 दोस्तों को लेके आए, ओके चलो एक को मिलाए, दो को मिलाए, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी, अब कल को वो भी तो लाएंगे। जैसे हमने 5 पर्सन को बताया, यू नो व्हाट, इसने भी अपना 2 CC किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, ठीक है जी। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 10 CC प्लस 2 आपका अपना 12 CC। कल को ये भी तो काम करेगा, 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 ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। आपने सिर्फ इसको ज्वाइन करवाया था, बट आपके डाउन में जो ये वाला बंदा है ना, ये वाला पर्सन है, आपको इससे भी पैसे इनकम आएगी, इससे भी पैसा आता है आपको। जो आपके मतलब डाउन 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 में जो आ रहा है, उससे भी पैसा आता है। सो ऐसे करते करते जब आपके लेवल बढ़ते हैं, जब आपको, आप समझ रहे हो, एक पर्सन को आपने बिजनेस सिखाया, बिजनेस में लेके आए, उसने आगे बिजनेस स्टार्ट किया, उसने भी आगे और लोगों को बिजनेस बताया, आपको बैठे बैठे पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। जब वो भी कल का टर्नओवर कर रहा है, कल को वो भी 2 CC कर रहा है, उसके डाउन वाला भी 2 CC कर रहा है, उसके डाउन का भी, डाउन का भी, डाउन वाला भी 2 CC कर रहा है, आपको इनकम आएगी कि नहीं आएगी? पैसिव इनकम आएगी। मजा आ रहा है? कैलकुलेशन सब समझ आ रही है ना आपको, एक एक कैलकुलेशन किस बेसिस पर अर्निंग आती है। तो ये था पहला लेवल। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ओके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते अगला जो लेवल है, ओके उस लेवल का नाम है सुपरवाइजर। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपने ज्वाइन किया, आपके दोस्त ने भी ज्वाइन किया, उसके नीचे नीचे, चलो दोस्त भी ना हो, अननोन भी हो कोई, ओके लाइक कोई अननोन भी है, ओके तो सिंपल है, ठीक है जी। अब उसकी CC भी आपके अंदर एड ऑन होती है, तो जब आप पूरी टीम के साथ 25 CC का बिजनेस कर लेते हो, कितने CC का, 25 CC का बिजनेस कर लेते हो, आप बनते हैं सुपरवाइजर। सुपरवाइजर लेवल पे भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, ओके देन ये कैसे 25 CC है, जैसे आपका अकेले का नहीं है, आपकी पूरी टीम के थ्रू जब आप सुपर 25 CC का बिजनेस कर लेते हो, आप बन जाते सुपरवाइजर, 8% आपको कैशबैक आता है, ओके लिख लो प्लीज, एंड 33% आपको एक न्यू पर्सन से आता है। जब आपके साथ कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है, तो आपको सुपरवाइजर लेवल पे एक बंदे से आ रहा है 33%। पता कितना, पता कितना, चलो बताता हूँ आपको, ये भी 34,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 33%। तो एक पर्सन से आपको आ रहा है 11,220 रुपए। अगर एक पर्सन से आपको इतना आ रहा है, तो 5 पर्सन से कितना आएगा, 56,100 रुपीज। कैसे अमाउंट है, कैसे अमाउंट है, सपने पूरे होते हैं कि नहीं होते? बहुत अच्छी अमाउंट है, वो भी बैठे बैठे। सिस्टम हम देंगे आपको, सपोर्ट हम करेंगे आपको, आपका काम क्या है, बस रिक्रूटमेंट करना, नए नए लोगों के साथ बात करनी, उन्हें प्लान देना, उन्हें वेबिनार तक लेके आना, बाकी सारा काम हमारा है, सारा काम हमारा है। आपको बस अगले दिन की, अगले महीने की 15 तारीख को जो भी आपकी अमाउंट है, वो आपको क्रेडिट हो जाएगी बड़े आराम से। दैट्स अ स्मार्ट वर्क गाइस, दैट्स अ स्मार्ट वर्क। ओके मजा आ रहा है ना? सही है, सही है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो ऐसे करके आपने सुपरवाइजर लेवल डन किया। सुपरवाइजर के बाद जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन कर लेते हो, कितने CC पे, 75 CC पे, तो पता क्या होता है, 75 CC में जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन कर लेते हो, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, वो सब हमेशा सेम है, देन आपको 13% का कैशबैक आता है, एंड लास्ट में आपको 38% का प्रॉफिट आता है न्यू पर्सन से। मतलब कोई नया पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, आपको 38% आता है। लास्ट नंबर पे आता है हमारा जो ड्रीम लेवल है, सभी का जो ड्रीम लेवल है, कौन सा, मैनेजर। जब आप पूरी टीम के साथ 120 CC का बिजनेस करते हो, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है, ओके जी 13% का डिस्काउंट मिलता है, 18% का कैशबैक मिलता है, एंड आपको न्यू पर्सन से आता है 43%। कितना आता है न्यू पर्सन से, 43%। बताने का मतलब क्या, अब मैनेजर लेवल पे, अब मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैनेजर नहीं हूं, मैं सीनियर मैनेजर हूं, 34,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 43%, मैनेजर लेवल पे 43%,
इज इक्वल टू 14,620 रुपीज मैनेजर लेवल पे। हमने आपको जब पहले दिन आप आए थे तो मैंने क्या बोला था, अगले 6 मंथ्स में हम आपको 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। अब वो कमिटमेंट चेंज हो चुकी है, अगले 4 मंथ्स में हम आपको 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप 4 मंथ्स में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, 14,620 रुपए आपको अगर एक पर्सन से आ रहा है तो तब आप बड़े लेवल पे हो। अगर आपने 10 लोगों को भी बिजनेस बताया तो आपका इनकम बना 1,46,200 रुपीज अगले 4 मंथ्स के अंदर आप अर्न कर सकते हो। सही कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं, किसको फेक लग रहा हूं? मेरे को 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर मैं 70 लाख से ऊपर कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। ऐसे नहीं 3-3 लाख का फोन लेके बैठा मैं। ओके चले आगे, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे चले, ये सारा कैलकुलेशन क्लियर होगी। सो बट स्टेप बाय स्टेप होता है सब कुछ। तो ये जो थी आपको स्टार्टिंग बताया मैंने, ओके बट ये मैनेजर लेवल जो है, ओके एक स्टेप दिख रहे हैं आपको ऐसे, अभी आप यहां पे हो। कौन से लेवल पे? यहां पे हो। यहां से यहां तक पहुंचना, मैनेजर तक पहुंचना, पहुंचाने का काम हमारा है। यहां से मैनेजर तक पहुंचाने का काम मतलब अभी राइट नाउ जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे, जितने भी लोग वेबिनार में बैठे हैं, वो सभी इस लेवल पे हैं। प्रेफर्ड कस्टमर, सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी आपको, बट जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हो, मतलब ये वाला लेवल क्वालिफाई करते हो, तो आपको लाइसेंस भी मिल जाता है, प्लस आप आगे बिजनेस भी करते हो, और बड़े आराम से पहले लेवल पे आप 40,000 से 50,000 रुपए कमा सकते हो। पहले लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप बड़े आराम से अगले ही महीने 40,000-50,000 रुपए कमा सकते हो। सुपरवाइजर लेवल पे आप 50,000 से लेकर 70,000 तक कमा सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। एंड मैनेजर लेवल पे आप 1 लाख प्लस कमा सकते हो बड़े आराम से। बट गाइस मैं आपको बताता हूं, बट यहां से ये वाले लेवल से लेके यहां तक पहुंचने का जो काम है वो आपका अपना है। नो वन इज गोइंग टू सपोर्ट यू फ्रॉम प्रेफर्ड कस्टमर टू असिस्टेंट सुपरवाइजर तक। 2 CC की जो टर्नओवर करनी है वो आपकी अपनी है, बट 2 CC से 120 CC तक पहुंचाने का काम हमारा है। समझ रहे हो? मतलब पहले लेवल से असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को डन करना आपको पड़ेगा, यहां से यहां तक पहुंचना आपका काम है, वो आप खुद करोगे अपनी आईडी के ऊपर, बट यहां से यहां पे पहुंचाने का काम हमारा है। जैसे ही आपका, सभी ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, सभी ने लिख लिया हुआ, इतना समझ आया सभी को? जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करते हो, मतलब कि अपना 2 CC लेवल डन करते हो, AS लेवल, ओके, तो आप जैसे ही करते हो तो पहली चीज आपको क्या मिलता है, 2 CC करने के बेनिफिट्स क्या है? आपको लाइसेंस मिल जाता है, कितनी कंट्रीज का? 165 प्लस कंट्रीज का। दूसरा पॉइंट, आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, जिस ग्रुप का नाम है गेम चेंजर्स का ऑफिशियल, गेम चेंजर्स 23 का ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, जहां पे ऑलरेडी हजारों में पर्संस है, 1000 से ऊपर पर्संस है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। थर्ड, अब आप किसी को भी आगे बिजनेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप अपने दोस्तों में, पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बिजनेस कर सकते हो। एंड फोर्थ, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स मिलते हैं आपको। एंड लास्ट, आपको क्या मिलता है? आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, जो आप 2 CC करते हो उसके आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं। प्लस आगे के लेवल्स कैसे करने हैं वो हम आपको सिखाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर कैसे बनना है वो हम आपको सिखाते हैं, बट प्रेफर्ड कस्टमर से जो लेवल पे अभी आप हो, यहां से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना आपको खुद पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पे आता है, सर कैसे करें? अब हाउ टू कंप्लीट 2 CC, यहां तक समझ आया सभी को? 40-45 मिनट्स हो गए आपको इस सेशन में, पता लगा? तो आगे चलते हैं, मैं सारा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, इनफैक्ट इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है जी। हाउ टू कंप्लीट 2 CC सभी के माइंड में आ रहा है, तो कितने लोग करना चाहते हैं 2 CC? सभी करना चाहते हैं, क्योंकि 2 CC करने के बाद 40,000-50,000 आ रहा है, किसको नहीं चाहिए? और मैनेजर लेवल पे तो लाखों की इनकम आ रही है, किसको नहीं चाहिए? सभी करना चाहते हैं। अब कैसे करें, हाउ टू कंप्लीट योर 2 CC, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे करें, आई विल शो यू हाउ। ओके
इसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ हाउ टू कंप्लीट योर। तो दो मोड्स होते हैं जिनके अंदर आप अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो। फर्स्ट इज कॉल्ड स्लो मोड एंड सेकंड इज कॉल्ड फास्ट मोड। कौन सा बताऊं पहले, आप कौन सा करना चाहते हो? स्लो मोड करना चाहते हो? स्लो मोड में लेट अर्निंग मिलती है, फास्ट मोड में इंस्टेंट अर्निंग मिलती है। दोनों समझाऊं? व्हाट इज स्लो मोड एंड व्हाट इज फास्ट मोड? ओके, अच्छा सभी फास्ट दे रहे हैं, फास्ट मोड जाना चाहते हैं। चलो मैं दोनों बताता हूँ। स्लो मोड क्या, इतना लेवल लग गया अपनी आईडी के ऊपर, आपको 2cc की टर्नओवर करनी पड़ेगी। 2cc की टर्नओवर मतलब 34,000 की टर्नओवर आपको अपनी आईडी पे करनी है जिंदगी में एक बारी। ओके चलो अब आगे चलते हैं। हाउ स्लो मोड में क्या है, अब आपको अपनी आईडी के ऊपर 12 digit की आईडी के ऊपर क्या करना है, कितने की टर्नओवर करनी है, 34,000 मतलब की 2cc की असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बनने के लिए। ओके नाउ अब आगे क्या करना पड़ेगा, या तो क्या करो आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लो। मैंने अपनी जिंदगी में करियर में बहुत ही कम लोगों को देखा है जो स्लो मोड से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बहुत ही कम लोगों को। 1,000 रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक प्रोडक्ट लिया 1,000 रुपए का, ठीक है जी, फिर क्या करो आप उसे बेचो, सेल करो, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदो, फिर सेल करो, फिर उस प्रोडक्ट को खरीदो, फिर सेल करो, जब तक कि आपका 34,000 कंप्लीट नहीं हो जाता। आप प्रोडक्ट को खरीदो, आप प्रोडक्ट को सेल करो, ये है स्लो मोड। साउंड्स इंटरेस्टिंग या सर इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? कितने चैलेंजेस, प्रोडक्ट लो, सेल करो, सेल्समैन बनना है, सेल्समैन बनना है किसने यहाँ पे? मैंने तो नहीं बनना था। इसके अंदर मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है अपने करियर में जिन्होंने स्लो मोड को चूज किया, बट उनको एक एक साल तक, एक एक साल तक, 1 year तक नो प्रॉफिट। मतलब आप एक चीज सोचो, अगले 1 साल तक कोई पैसा ही ना आए, आप खाली प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई पैसा नहीं। कौन सी कैटेगरी आ गई, वही पीयू वाली। कैसा लगेगा अगले 1 साल तक कोई पैसा ही ना आए? दूसरा 4 महीनों में मैनेजर बन के डेट रहे 2-2 lakh rupees, वो ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है? इसमें क्या है, मैंने अपनी करियर के अंदर मैंने 2 से 3 लोगों को देखा है जिन्होंने स्लो मोड से बिजनेस स्टार्ट किया है। एक लड़की ने किया था क्योंकि वो कह रही थी कि सर मेरे से 2cc नहीं हो पाएगा। उसको करीबन 1 साल हो गया, बट अभी तक उसका 2cc लेवल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक जो उसकी टर्नओवर हुई वो 25,000 तक की हुई है। अभी भी 34 करने के लिए उसको बाकी का करना पड़ेगा, 8-9 hazaar का अभी और करना पड़ेगा, जिसमें उसको फिर 2-3 महीने लगेंगे, और अभी तक नो प्रॉफिट। वो ज्यादा बेटर है? किसी को नहीं हम करवाते, बताते जरूर है ये स्लो मोड है, बट हम करवाते नहीं है क्योंकि हम आपको फास्ट मूवर बनाना चाहते हैं, पैसा जल्दी आपको दिलाना चाहते हैं, जल्दी आपकी अर्निंग शुरू करवाना चाहते हैं। सो हम प्रेफर करते हैं कौन सा मोड, फास्ट मोड, और स्लो मोड को हम प्रेफर नहीं करते। कोई है यहाँ पे फास्ट स्लो मोड को प्रेफर करने वाला है? कोई यहाँ पे कोई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है? उसका रिकॉर्ड देखते कितने टाइम में करता है। अभी तक तो जो रिकॉर्ड है वो साल साल, एक एक महीना तो नहीं लगता उसमें, तो यही है साल साल लग जाता है 2cc करने में। अभी आप सोचो 2cc नहीं होगा तो मैनेजर कब बनेगा बंदा, 5 साल में 6 साल में? सोचो इसको करने में इतना टाइम लग रहा है तो मैनेजर लेवल करने में तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी। ओके नाउ द पॉइंट इज, मैं 3 साल में ग्रो क्यों कर गया, मैंने क्योंकि फास्ट मोड चूज किया था, मैं इतने जल्दी क्यों ग्रो किया। ओके सो फास्ट मोड क्या है, लेट्स चेक द फास्ट मोड। फास्ट मोड में क्या है कि आप अपनी 12 digit की आईडी के ऊपर, जो भी आपकी 12 digit की आईडी है उसके ऊपर वन शॉट अपने पैसों से 34K की परचेजिंग करिए और हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बने। फास्ट मोड के अंदर आके हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बने और उस ऑफिशियल ग्रुप में आके आपको हमारी तरफ से सारी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, सारा प्लान सब कुछ सिखाया जाएगा, जहां पे अमेजिंग लीडर्स प्रदीप सर, मेरे अपलाइन अनमोल सर, लक्ष्मी मैम, अजहर सर जो मिनी कूपर अचीवर है, सारे आपको सिखाएंगे कैसे आप अगले 3 से 4 महीनों के अंदर मैनेजर बन सकते हो। अगर आप वन शॉट अपनी आईडी से 34K का सामान लेते हो
ओके, टू सीसी अपनी आईडी पे वन शॉट अपने पैसों से करते हो तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बन जाते हो, जहां पे आपको सारी ट्रेनिंग, सारा सपोर्ट, सब कुछ आपको दिया जाता है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, एंड आप हमारे बिजनेस का पार्ट बन जाते हो। प्लस जो 34K आप पहले ही मंथ में अपनी आईडी पे लगा के असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को करते हो, 34K किया आपने अपनी आईडी पे टर्नओवर की और आप AS बन गए, चलो मान लिया आपने किया, सभी यही करते हैं, सभी ऐसे करते हैं, मैंने भी ऐसे किया था, जब मैंने अपना स्टार्टअप किया था मैंने भी ऐसे किया था, 34K किया मैंने अपनी आईडी पे, 2CC लेवल डन किया, मैंने से 5 लोगों को भी बिजनेस बताया पहले ही मंथ, कौन से मंथ, फर्स्ट मंथ, सिर्फ 5 लोगों को भी बिजनेस बताया, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, और 1% से आपको 30% आ रहा है, तो टोटल आ रहा है आपको 10,200, 1% से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो राउंड राउंड आपका 51,000 बनता है। कैसा है, कैसी अमाउंट है फर्स्ट मंथ में, 1% से आपको कितना आ रहा है, 34,000 को मल्टीप्लाई कर लो आप कितने से, 30% से, ठीक है, 10,200 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 51,000 रुपीज आपको आ रहे हैं पहले महीने, और लगाया कितना, -34,000, तो भी आपका प्रॉफिट पहले ही मंथ 17,000 का प्रॉफिट होता है पहले ही मंथ। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या मैनेजर लेवल पे सब कुछ है, समझ आ रहा है यहां तक, कैसे करना, मैं सारे सॉल्यूशंस दूंगा, डोंट टेंशन, ये जो प्रॉफिट आपका पहले ही मंथ इतने का तो मैं करवाऊंगा, सोचो पहले मंथ इतने का प्रॉफिट हो रहा है तो अगले महीने कितने का होगा, उससे अगले महीने कितने का होगा। ओके, चलें आगे। अब मेन चीज ये है कैसे करना है, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम अपने घर में भी देखो, और सबसे बड़ी बात, जो आप 2CC कर रहे हो, 34,000 का जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसका आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है अराउंड राउंड 40,000 का, एमआरपी के ऊपर आपको 40,000 का प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ओके, भले इसको भी आप सेल करो, बट आपको इसको सेल नहीं करना, ये प्रोडक्ट आपको अपने घर के लिए यूज करना है, घर में यूज करना है। ओके, और मेन क्या होगा, मेन क्या होगा, जैसे ही आप हमारे बिजनेस ग्रुप का ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनते हो, ओके, तो आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, और पहले ही मंथ हमारी कोशिश रहती है कि आपका पहले ही मंथ जो चेक बने वो 50,000 से ऊपर बने, ताकि जो पैसा आपने लगाया, 34,000 रुपीज आपने लगाया, वो आपका पहले महीने के चेक में पूरा हो जाए, और ये होता भी है। तो बिजनेस सिंपल है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजर लेवल के बाद असली जो गेम है, अगर आपको मैं बता दूं, अभी मैं दिखाने भी वाला हूं, असली जो गेम है वो होती है आफ्टर मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल के बाद ही असली गेम शुरू होती है। ओके जी, मैनेजर लेवल के बाद पहला इंसेंटिव जो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड कार प्लान लेवल। कंपनी आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा देती है मैनेजर लेवल के बाद, प्लस ग्लोबल रैली मिलता है आपको, लिख लो प्लीज अपने अपने सभी। फिर आपको अगले आगे क्या मिलता है, EMR मिलता है, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, जो मेरा अमेरिका का टूर था, EMR कंपनी ने मुझे अमेरिका का टूर दिया। देन MR मिलता है, अपनी कंट्री का टूर मिलता है, ठीक है जी। देन आपको चेयरमैन बोनस मिलता है, सबसे बड़ी इनकम फॉरएवर में, ओह माय गॉड, चेयरमैन बोनस मिलता है फॉरएवर की तरफ से। कंपनी आपको घूमने फिरने को भी देती है, कंपनी की तरफ से आपको सब कुछ मिलता है। देखना चाहते हो, मैं भी आया था आप ही की तरह, मेरे भी सपने बहुत बड़े थे, मैं भी चाहता था कि मेरे पास सब कुछ हो, एंड मैं भी आया था आप ही की तरह, ड्रीम लेके आया था मैनेजर बनने का। कौन सा ड्रीम लेके आया था, मैनेजर बनने का। आप सबका भी ड्रीम, कितने लोगों का मैनेजर बनने का ड्रीम है, सभी का ड्रीम है। मैनेजर जिस दिन आपका क्वालिफाई हो जाता है, आपका क्या है कि आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर हो जाती है। मैं भी ड्रीम लेके आया था मैनेजर लेवल का, एंड मैं मैनेजर नहीं बना, बट यहाँ पर जैसे ही मैं मैनेजर बना, मैनेजर बनते ही अगले महीने मैं बन गया यहाँ पे सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन गया मैं। सो आई एम राइट नाउ सीनियर मैनेजर लेवल पे हूं मैं, ओके। और सीनियर मैनेजर का मतलब क्या है, मेरी डायरेक्ट पे 2 मैनेजर्स हैं, मेरी डायरेक्ट पे 2 मैनेजर्स हैं। अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको सोरिंग दिखूंगा, ओके। एंड जो कार प्लान की बात करें, तो कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई किया मैंने इसी बिजनेस से, ओके। सो आई एम क्वालिफाइड एज कार प्लान लेवल 3। मतलब क्या है, मेरे को अलग से 52,000 to 53,000 रुपीज हर महीने अलग से आते हैं, जिससे मैं अपनी गाड़ी खरीद सकता हूँ, चाहे घर बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। प्लस मैंने 2018 में बिजनेस को स्टार्ट किया, बट 2020 में, एज पर 2020 के अंदर बात की जाए, तो मैं पूरे इंडिया में
पूरे इंडिया में टॉप 10 में टॉप 9th पोजीशन पे आया हूँ, पूरे इंडिया में टॉप 10 में से टॉप 9th पोजीशन में आया हूँ पूरे इंडिया में. ओके, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल यार. मैंने 2018 में शुरू किया, मैं 2020 में टॉप 10 में था, फॉरएवर के अंदर करोड़ों लोगों के बीच में मैं टॉप 10 में था. आप आज शुरू कर रहे हो, आप 2022 तक बन जाओगे. हम आपको वेस बताएंगे, हम आपको बताएंगे. ओके, सो ये सारा कुछ आपको मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल. तो ग्लोबल दिल्ली देखना चाहते हो सभी? किस लेवल की ग्लोबल दिल्ली होती है? तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियर हो यार, क्योंकि आपको छोटे मोटे प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे कोई, आप छोटे मोटे इंडस्ट्री में नहीं आ रहे, आप बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग. ओके, सो आपको मैं ग्लोबल, ध्यान से देखना, ग्लोबल दिल्ली, ये ग्लोबल दिल्ली होती है. ग्लोबल दिल्ली जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होती है. ये सारे लोगों ने भी आप ही की तरह 2CC से ही बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको भी 2CC से बिजनेस स्टार्ट करना है. डाउन की टेंशन कैसे करना है वो सारा बताया जाएगा. देख रहे हो, आर यू एक्साइटेड टू बी हियर? कितने बड़े ब्रांड के साथ आज आप ज्वाइन कर रहे हो, लोग लाखों करोड़ रुपए पढ़ाई पे भी तो लगा ही रहे हो, लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, सब कॉस्ट लगा रहे हो, तो कितने बड़े ब्रांड के साथ है, प्राउड फील करते हो? देख रहे हो एक्साइटमेंट, देख रहे हो कितनी ज्यादा है. Wow, we are so excited to have you here in Dubai for the 2017 Global. The greatest. ये देख रहे हो, ये चेक्स दिख रहे हैं आपको, इसे बोलते चेयरमैन बोनस. 11 करोड़ तक का चेयरमैन बोनस बांटा जाता है, 11 करोड़ का. समझ रहे हो मेरी बात को? ये पावर है फॉरएवर की. एक चेक तो मेरे पीछे भी दिख रहा है, मेरे पीछे दिख रहा है आपको चेक सभी को? You ready to see who our top countries are? South Africa! North America! Just a brand Asia. देख रहे हो किस लेवल की कंपनी के साथ आप आ रहे हो, कितनी सारी टॉप कंट्रीज है. तो सबसे बड़ी जो इनकम है फॉरएवर में वो है चेयरमैन बोनस. ये दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये मैंने भी अचीव किया था अभी रिसेंटली. हमारी भी ग्लोबल रैली हुई है, सेम ऐसी की ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई की थी ऑस्ट्रेलिया की. 2020 में मेरी भी ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया टूर मेरे को मिला था कंपनी की तरफ से, बट ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू लॉकडाउन हमें कंपनी की तरफ से ग्लोबल रैली नहीं मिल पाई. तो कंपनी ने हमें छोटा सा एक इवेंट दिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे का था वो छोटा सा इवेंट. ओके, दिल्ली में जितना भी हमारा खर्चा होना था, जो भी हमारा खर्चा होना था ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर, जो भी हमारा जितना भी पैसा लगना था वो सारा हमें कंपनी ने उस टूर के अंदर हमें सारा दे दिया. आप देख रहे हो, मतलब टूर भी दे दिया फ्री का और जो पैसा लगना था वो भी हमें फ्री में दे दिया. इस वीडियो जो स्टार्टिंग है ना, इस वीडियो की फॉरएवर की, ये हाइलाइट्स है, स्टार्टिंग ही मेरे से होती है. इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं हूं, देखना चाहते हो? आई विल शो यू राइट नाउ. देख रहे हो कौन है? देख रहे हो, ये मैं और मेरे पापा. मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे गया था इस टूर के ऊपर. ओके जी, तो मतलब आप ये, मैं अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सिर्फ बोला जा रहा है, ये अचीव भी हो चुकी है चीजें. और अगर जो अचीव कर चुका है वो आपको भी करवा सकता है. तो बहुत अल्टीमेट टूर था. सबसे बड़ा चीज है चेयरमैन बोनस. अभी आप देखो, ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इन सब की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, ये इंडिया से हैं सारे, इन सब की भी स्टार्टिंग आप ही की तरह हुई थी. 2CC से स्टार्टिंग हुई और सबने फास्ट मोड अचीव किया था. और एक एक साल में क्या क्या हुआ देखो.
चेयरमैन बोनस के चेक देख रहे हो, किस किस लेवल के चेक है? 48 लाख रुपीज। ये पर्पल के अंदर कोई दिख रहा है नाचता हुआ? हाँ, ये पर्पल कपड़ों में कोई दिख रहा है नाचता हुआ? मैं ही हूं। ओके जी, बड़े बड़े सबके चेक आए हैं, बहुत सारे चेक्स आए हैं। ओह माय गॉड, चेक देख रहे हो कितने? 63 लाख रुपीज सिंगल चेक, वन सिंगल चेक। 59 लाख रुपीज, 48 लाख रुपीज। इनकी भी स्टार्टिंग आप ही की तरह हुई है, जीरो से स्टार्टिंग हुई है। ओके, देख रहे हो सारे यंगस्टर्स है, बुड्ढे बुड्ढे हैं क्या गाइस? बुड्ढे बुड्ढे हैं क्या सभी? हाँ जी, कि बताओ, सब बुड्ढे बुड्ढे है ना? फिर आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये सारा कुछ आप भी अचीव कर सकते हो इसी बिजनेस के थ्रू। 12 लाख के चेक। ओके, ये देखो, हम सब बहुत एंजॉय किया। ये सारी की सारी ग्लोबल रैली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है, आप सब देख सकते हो। ये तो था इंटरनेशनल, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। तो बताने वाले कि स्टार्टिंग हम सब की जीरो से हुई थी, मजा आ रहा है? अभी और दिखाते हैं आपको। ओके, फिर अगला जो टूर मिलता है वो मिलता है EMR। ओके, फॉरएवर की तरफ से आपको एक और टूर मिलता है EMR, जो फॉरेन टूर होता है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको स्टेटस दिखा रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ फॉरएवर का, क्योंकि फॉरएवर को छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। See new cultures, to be able to rub shoulders with other Eagle managers and hear about how they build their business. इतने सारे लोग इस बिजनेस के अंदर पार्ट बन रहे हैं, इतने सारे फॉरेनर्स हैं, तो आप भी कर सकते हो यार, बस माइंडसेट होना चाहिए। All of the GLT are willing to share. We will value you, important to you. It's about for each one of us to forever live. And show them love. What I've learned from my business forever is... It's because he loves everyone. He cares for everyone. And he's shared with everyone. Haan ji, aap nahi chahte aise ka sab kuch apni life mein. और वो भी विद फैमिली। मेरे पेरेंट्स बहुत नेगेटिव थे जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, मेरे घर वाले बहुत नेगेटिव थे, मेरे पापा बहुत नेगेटिव थे। वो कहते थे ये सब फेक है, ये सब फ्रॉड है, ये सब कुछ नहीं होता। बट फिर मेरे को एक चीज पता था यार, मानिक करना है तो यही करना है। क्योंकि मुझे बाहर क्लियरिटी थी कि बाहर पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है और अनपढ़ भी इतने कमा रहा है, बाहर मार्केट में जॉब्स खत्म हो चुकी है। ओके जी, अब बताओ किस किस को 2cc अभी भी महंगा लग रहा है? हाँ जी, क्या लग रहा है? 2cc अभी महंगा लग रहा है? इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं इस बिजनेस से, इतनी बड़ी लेवल पे ग्रोथ हो रही है। ओके जी, तो आई डोंट थिंक सो किसी को यहाँ पे वो लग रहा होगा। ओके जी, आगे देखें। हाँ जी, या जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ जी, सो तो बात वो नहीं है, मेरे पास भी 2cc का पैसा नहीं था, बट मेरे पास माइंडसेट था। घर वाले नहीं, घर वालों की टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, आपको माइंडसेट क्लियर है, तो फैमिली को भी अपने आप हम करवा देंगे, उसका भी मैं अभी सलूशन देने वाला हूं आपको। बट उससे पहले एक लास्ट एक और इंसेंटिव है जिसको बोलते हैं MR, मैनेजर्स रिट्रीट। वो देखना चाहते हो? वो भी आपको दिखाते हैं। ये एक लास्ट इंसेंटिव है, ये भी किस लेवल का होता है MR, चेक करें। ये इंडिया के टॉप लीडर आपको दिख रहे होंगे, सूर्य सिन्हा सर। इनका जो चेयरमैन बोनस का चेक था वो 3,84,00,000 का था, 3,84,00,000 का चेयरमैन बोनस का चेक। अब देखो किस किस एज के लोग यहाँ पे बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये चेयरमैन बोनस होता है। एक चेक, आपके पापा मम्मा मना करेंगे, ये पर्सन की एज पता कितनी है? 87 इयर्स ओल्ड।
कुर्दराम इनका नाम है, 87 इयर्स की एज है, चेक कितने का है देख रहे हो? आप भी बताओ, अभी नहीं मानेंगे क्या घर वाले? उसकी भी टेंशन है, वो भी नहीं मानता। स्वैग से करेंगे। सो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है बिजनेस के अंदर। मैं मेरे को 10 दिन भी बोलोगे ना फॉरएवर के ऊपर बोलने के लिए, फॉरएवर के बारे में बताने के लिए, 10 दिन भी मेरे लिए कम है, क्योंकि फॉरएवर है ही इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड है। ओके जी, तो आगे बात करें, अगर देखो जाए तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट जो पर्सन पैसा कमा रहा है फॉरएवर के अंदर इज रॉल्फ किप। इसके अगर मंथली इनकम की बात करें ना रॉल्फ किप की, फॉरएवर के अंदर 6 से 7 करोड़ रुपए है पर मंथ, और इसका चेयरमैन बोनस आया था अभी रिसेंटली, तो पता कितने का था? 11 करोड़ का चेयरमैन बोनस, 11 करोड़। बताओ है कोई बाहर ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इतना कमा के दे सकता है? हमारे पाकिस्तान से 8 महीनों के अंदर एक लड़की ने सोरिंग मैनेजर डन किया, 8 महीनों के अंदर, एंड 8 महीनों में उसका सोरिंग मैनेजर पे चेक पता कितने का बना? टोटल अभी तक 40 लाख रुपए उस लड़की ने 8 महीनों में कवर कर लिया, 8 महीनों में 40 लाख। मुझे 2 साल लग गए थे 8 महीनों में। एक लड़का है उसका चेक पाकिस्तान से है, उसका पर महीने का चेक पता कितने का बना लास्ट मंथ का? 19 लाख का चेक बना पाकिस्तान से। इंडिया के अंदर मैं अपनी मंथली इनकम बताऊं तो 9 से 10 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम है। तो सारी सबने जीरो से स्टार्ट किया। ओके, सूर्य सिन्हा सर है, हम सबकी स्टार्टिंग 2cc से हुई है यार, सबकी स्टार्टिंग 2cc से हुई है, और हम आपको रास्ता भी दे रहे हैं कि आप भी कर सकते। सूर्य सिन्हा सर का चेयरमैन बोनस देखा जाए तो पता कितने का था? 3 करोड़ 84 लाख रुपया। कितना? 3 करोड़ 84 लाख। अंडरस्टैंड कर रहे हो यार, ये पावर है इस बिजनेस की। और जब मैं ग्लोबल दिल्ली पे गया था अभी रिसेंटली, जो आपको ग्लोबल रैली की हाइलाइट्स दिखाई है, तो जब मैं इस ग्लोबल रैली पे गया था तो सूर्य सिन्हा सर मुझे मिले थे, तो उनको ये लगा था कि शायद मैं पापा के साथ आया हूँ, मतलब पापा मुझे लेके आए हैं। ओके, क्योंकि पापा के साथ टूर था ना। बट जब सर ने, सर को मैंने बताया कि मैं पापा को लेके आया हूँ, तो सर ने मेरी इंटरव्यू ली। सूर्य सिन्हा सर जो इंडिया का टॉप लीडर है, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने मेरी अगर IGTV में देखा भी होगा, सूर्य सिन्हा सर ने मेरी इंटरव्यू ली पूरे इंडिया। ये स्लोगन नहीं, वो सोच लिया और विक्ट्री पे फोकस किया तो ऑब्स्टेकल्स का पता नहीं चलेगा, कम निकल जाएंगे। थैंक यू सर। एक बार बताओ यहाँ पर, अभी आपने इस कहा कि आपको करीब साल डेढ़ साल, मेरे पापा बहुत नेगेटिव थे, मुझे गालियां निकालते थे, बोलते तेरा कुछ नहीं बनना, तू ये वो, तेरा कुछ नहीं होना, ये बिजनेस फेक है, मतलब उन्हें नहीं पता था। तो आपको बताता हूँ, जब इंटरव्यू हुई तो मेरे पापा ने क्या बोला, सुनना। वेबिनार होता है तो एक श्लोगन होता है इनका जो मैं शेयर करता हूँ, आग लगा लो सीने में जब तक 10 करोड़ ना आए महीने में। ये श्लोगन है, और पहले मैं सोचता था कि ये नहीं है, बट वेरी सून ये श्लोगन सच होगा सभी के लिए। तो आप नहीं चाहते पेरेंट्स के साथ एंजॉयमेंट करना? पापा को आज पूरे सब कुछ एंजॉय कराया जा रहा है, ठीक है जी, पूरा ट्रेवल कर रहे हैं। मेरे पापा जो पूरे नेगेटिव होते थे एक टाइम में, पूरी गालियां निकालते थे, आज मेरे साथ मेरी लाइफ मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। हां जी, तो अकेला मैं नहीं सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे, मैं अपने फादर को भी सक्सेसफुल। वो हमारी खुशियों के लिए मेहनत करता रहता है, चाहे दिन है या शाम है, बस अब सब कुछ जीत कर आपके पैरों में रखना है। बापू हूं मेरी सारी जिंदगी बस तेरे नाम है बापू तेरे। तो ये पापा जो अभी आपको दिख रहे हैं बहुत नेगेटिव है। ओके जी, मतलब पूरा मेरे को बहुत बोलते थे तेरा कुछ नहीं बनना, ये सब फेक है, ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होता, कंपनियां भाग जाती हैं, ऐसे वैसे होता है सभी के साथ, हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे। मैंने पापा को बोला पापा प्लीज मेरा 2cc करवा दो, पापा ने मुझे बोला था तेरा 1 रुपया नहीं देंगे। ओके जी, एक बंदा कह रहा है सर इनकम प्रूफ दो, तो इनकम प्रूफ भाई साहब मेरी इंस्टाग्राम पे जाके ना सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, आप जाके मेरा लाइफस्टाइल देख लो, कोई ना फेक लाइफस्टाइल नहीं होता। ओके जी, इतना सारा कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, इतना कुछ घूम रहे हैं। ओके, मैंने अभी सारी सीरीज बना रहा हूँ, मैंने सारा वर्ल्ड टूर सब कुछ डालना है, सारा कुछ वहां पे आपको दिखेगा। ओके जी, तो इनकम प्रूफ छोड़ो, 3 लाख का तो फोन ही पकड़ा हाथ में। हाँ जी, तो वो चीजें मैटर, यही तो चीजें, ठीक है जी। आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, ये लो इनकम प्रूफ देखना है ना, ये जाके इनकम प्रूफ ही है सारा, ये सारा इनकम प्रूफ है, जाके देखो, ये सारा जाके देखो।
इनकम प्रूफ छोड़ो, जो घर मैं बना रहा हूँ, मैं घर दिखाना भूल गया था, इसी बिजनेस के थ्रू मैंने जो घर बिल्ड किया, अभी मैं गाड़ी ला रहा हूँ, अब जाके गाड़ी लेने लगा हूँ मैं, ओके, जो घर बना रहा है मैंने, ठीक है जी, दैट्स द ऑफिस, वो नीचे, वो जावा, ये घर मैं बना रहा हूँ अपना, देख रहे हो, एक 20 साल का लड़का, इसी बिजनेस के थ्रू मैंने इस लेवल का घर बनाया, इस घर के अंदर स्विमिंग पूल भी बन रहा है, इस घर के अंदर वाटरफॉल भी बन रहा है, इस घर के अंदर ऑडिटोरियम भी बन रहा है, इस घर के अंदर बार बन रही है बहुत बड़ी, पापा को बहुत शौक है ड्रिंक्स वगैरह का, देख ही रहे हो मेरे पीछे है ना, ड्रिंक्स वगैरह पड़ी है, दारू वगैरह पंजाबियों का होता है ना, तो बहुत बड़ी बार बन रही है इस घर के अंदर, बहुत कुछ बन रहा है, तो ये सारा कुछ कौन बना रहा है, मैं ही बना रहा हूँ, ठीक है जी, तो सिंपल है, और ये सोने का फोन, ये तू लेगा ले मैंने, ठीक है जी, दुबई से इंपोर्ट करवाया है, तो अब आप कैसे आप कैसे अपने घर वालों को बुला सकते हो, ओके, आप कैसे अपने घर वालों को बनाना चाहते हो, तो सिंपल है, चाहते हो आप सब भी, हाँ जी, चाहते हो कि नहीं चाहते, सभी जाते हैं ऐसा लाइफस्टाइल सबके सब, तो टेंशन ना लो, अब कैसे पेरेंट्स को मनाना है, पेरेंट्स को कैसे मनाना है, मेरी बात अब ध्यान से सुनो, देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी हमारे ऊपर लाखों रुपए लगा रहे हैं, यस या नो, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, हाँ जी, हाँ जी लगा रहे हैं ना, तो सिंपल है, डोंट टेंशन, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी आपके ऊपर लाखों रुपए लगा रहे हैं, अगर आप ये बोलते हो कि जैसे क्या बोल सकते हो, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, ओके जी, एक वीडियो आपको शो करता हूँ, जस्ट वेट, तो ध्यान से देना इस वीडियो को, ओके, तो चेक करो, ये एक एमबीए वाला है जो चाय बेचता है, मतलब एमबीए करके चाय बेचता है क्योंकि बाहर नौकरी नहीं मिली इसको, तो इसने क्या बोला, चेक करना, ये कैट एग्जामिनेशन और इससे तो बहुत अच्छा है मेरा चाय का दुकान, मेरा पैसा, गाइस चाहते हो पेरेंट्स मान जाए आपके, बस थोड़ा सा सेशन रह गया और अभी आपके लिए एक सरप्राइज भी है, दुकान मेरी कमाई, मेरी इंडिपेंडेंस, दैट्स व्हाट वी नीड, और क्या चाहिए भगवान से, ये सब कुछ तो है हमारे पास, तो मैंने कहा दैट्स इट, यही करेगा, आई डिसाइडेड एंड आई डिड इट, ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक नाउ, यही एक फिलॉसफी लाइफ में रही है, बाकी कुछ नहीं रहा है, और एक और चीज़ लगे रहो, मैंने कहा चाय की दुकान खोलेंगे, आई डिड द सेम, चाय का ठेला लगाया, अब पैसा लाना कहाँ से था, तो उसका कारण था पापा को कहना कि पापा मुझे एक कोर्स करना है, इंटरनेशनल कोर्स, मेरे को 10-12 हज़ार 15 हज़ार दो ताकि मैं वो कोर्स कर सकूँ, बोले ठीक है बाबा, इंडियन पेरेंट्स पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने के लिए लाख रुपए दे देंगे, पढ़ना है ना, मतलब बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है, समझे क्या बोला, जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसा पढ़ाई वगैरह के लिए बिल्कुल दे देंगे, कोर्स वोर्स करना हो, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो, मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को कैरियर में ये करना है, मेरे को वो करना है, एंड ही गेव प्राउडली, चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा, क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से एमबीए करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी, दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट, मैंने वही कारण बताया कि काकी ये भी शांत रहे, मेरा भी काम, हाँ जी, कैसा लगा आइडिया, कैसा लगा आइडिया, सही है, इस वे से आप कर सकते हो, बाकी सिंपल है यार, अगर आपने करना है ना, तो देखो एक सीन ना आपको मैं दिखा देता हूँ छोटा सा, उसके बाद आपको एक सरप्राइज मैं दिखाऊंगा, ओके जी, तो एक छोटा सा सीन है, उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, तो ये सीन याद होगा आपको, कितने लोगों को याद है, आपने टैक्सी बुलाई है, मैंने बुलाई, इट्स वेटिंग, इसके भी पापा नहीं मानने थे, इसके भी घर वाले पूरे अगेंस्ट थे, तो ये सीन ध्यान से देखना, इसके बाद एक सरप्राइज आपके लिए, क्या बोला, पापा नहीं मानेंगे, आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है, आप तो सही हो ना अपनी लाइफ में, आप तो सही हो ना, डोंट टेंशन, आगे देखो, सही ना, क्या से 10 साल बाद 50 साल बाद रिग्रेट ना हो, तब भी आप ये ना बोलो कि मानिक अग्रवाल का वेबिनार देखा था, दैट टाइम कुछ कर लेते तो आज जिंदगी बदल सकती, माने कि नहीं माने, सच्चे दिल से अगर बात करोगे पेरेंट्स से तो मानते कि नहीं मानते, तो क्लियर हुआ, तो डोंट टेंशन, बाकी छोटा सा सरप्राइज आपके लिए, फिर हम वेबिनार को एंड करेंगे, अच्छा लगा सेशन, डाउट्स भी क्लियर हुए, तो डोंट टेंशन, पेरेंट्स की टेंशन ना लो, आपको बिजनेस क्लियर है, आपको अपने ऊपर भरोसा है कि अगले महीने आप उससे ज्यादा करके दोगे, आप उससे ज्यादा टर्नओवर कर सकते हो, आपको अपने ऊपर विश्वास है, यस या नो, अगर विश्वास है तो आना, अगर नहीं विश्वास तो मत आना, मुझे अपने ऊपर विश्वास था, मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट थे, बहुत ज्यादा गालियां थी, मेरे पापा ने मुझे बहुत बोला, बहुत कुछ बोला कि तेरा कुछ नहीं बनना, तेरा ये तेरा वो, ओके, तो छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक सरप्राइज दूंगा मैं, ठीक है जी, तो फिर हम लास्ट में एंड करेंगे सेशन को, तो आज आप सब देखते हो सोने का फोन, है ना, सोने का फोन देखते हो आज आप सब, देखते हो, बट स्टार्टिंग मेरी ना,
कहां से हुई थी? यहां से हुई थी। जब मैं हां जी टीम किद्दा थैंक यू फोन वाले सन से हां जी टीम किद्दा तन दसन वाला मेरा सुपरवाइजर लेवल होने वाला देख रहे हो हां जी। तो ये वो वीडियो जब तब की वीडियो है जब मैं मतलब इस बिजनेस में आया था स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे घर वाले मुझे नेगेटिव करते थे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था अपने घर वालों की वीडियो शूट करता था कि मैं बोलता था किसी ना किसी टाइम दिखाऊंगा और मेरे को डांटते थे घर वाले बोलते थे तेरा कुछ नहीं बनना देख रहे हो रोंदे पे यार रोंदे पे यार नहीं नहीं वैसे मैं खरीद नहीं मैं बेच दूंगा फाज पकड़ किसी सारा करके हमेशा मुझे गालियां पड़ती थी तेरा ये खा लिए टाइम वेस्ट है। तो एक वीडियो है क्योंकि मैं प्लस टू में फेल हो गया था दिख रहे मेरे फादर आपको सभी को हाँ जी सुन दिख रहे मेरे फादर सभी को ये तब है जब मैंने स्टार्टअप किया था। ओके जी तो मेरे घर वालों ने बोला तेरा कुछ नहीं बनेगा बट मैंने उनको एक ही चीज बोली थी मुझे चैट बॉक्स में बताना क्या सुनना मेरे मम्मा कह रहे लड़के ऐसे क्यों होते हैं मैं दिखाऊंगा मैं बन के दिखाऊंगा क्या बोला मैंने सुना आपने मेरे घर वाले बोले बन के तेरा कुछ नहीं बनना इसमें मैंने क्या बोला मैं दिखाऊंगा मैं बन के दिखाऊंगा क्या बोला मैंने चैट में बताना मुझे हाँ जी सुना सभी ने मैं बन के दिखाऊंगा सभी ने सुना। तो वही फादर जो मेरे को ऐसे बोलते थे आज वो फादर मेरे साथ है इस वेबिनार के अंदर तो यही था आपके लिए सरप्राइज। तो हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी ठीक हो? तो लाइव चल रहा है सेशन हाँ जी वेरी गुड सभी बच्चों को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। आप नया प्लेटफॉर्म देख रहे हो ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस करने की एक ऐसी आजादी दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है कि आप अपने ड्रीम्स को सर्च कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। मैं बहुत अगेंस्ट था इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट था मैंने मानिक को घर से भी निकाल दिया था। उसका रीजन ये था मेरे और इसमें एक एज का डिफरेंस आ गया एक जनरेशन गैप आ गया। जनरेशन गैप के अंदर क्या है हम ये सोचते थे कि जो हम वर्क कर रहे हैं वही सबसे बढ़िया है उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो ये भी नहीं सोच सकते थे कि 10 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं ये एक घर बैठ के 10 लाख रुपए महीना आ जाएगा। हम तो यही सोचते थे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी बहुत बड़ा काम करेंगे तब जाके 5 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए आएगा। उसके लिए सारा दिन फैक्ट्री के अंदर 100-200 मजदूर रखे होंगे ये करेंगे वो करेंगे यही चीज थी हमारी। बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक फ्रीडम है एक आजादी है उस तरीके से हम काम कर रहे हैं बहुत ही इजी बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत अगेंस्ट था इस चीज के पर आज मैं आपके भी सभी से यही कह रहा हूं कि ये सबसे बढ़िया आज की डेट के अंदर इससे बेटर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक छोटी सी रकम लगा के आप अगर आप एक दुकान भी करते हो ना बेटे एक छोटी सी एक शॉप भी खोलते हो उसके लिए भी 1-2 लाख रुपया लगा के आप काम करते हो फिर काम चले या ना चले कुछ नहीं पता
ये तो पता है इसमें 101% आपको रिटर्न भी आएगी और अच्छा कमाओगे अगर आप मेहनत कर लेते हो पहले स्टार्टिंग में 3-4 महीने 5 महीने अगर मेहनत करते हो तो पूरी लाइफ के लिए आप सेट हो जाते हो। मेरे सपने सच हुए हैं इसमें जो मैंने अपने काम में नहीं किए, जो मैंने 20 साल लगा के अपने काम किया, 20 साल दिन रात एक किया फिर भी मैं उस चीज के ऊपर सक्सेस नहीं हुआ जहां पे या 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम इस मुकाम के अंदर पहुंच गए। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है बेटे, करो आप जरूर करो। बाकी पेरेंट्स कहते मानेंगे कि नहीं मानेंगे इनके सभी का माइंड बेटे, अगर आप पेरेंट्स के साथ प्रॉमिस करो कि आप प्रॉमिस ये है कि आप किसी भी कोई भी बच्चा जो है ना पेरेंट्स के साथ चीट मत करो। अगर आप चीट नहीं करोगे अगर उनको रियलिटी बता के वॉक करोगे तो पेरेंट्स जरूर मानेंगे। उनको ये चीज समझाओ कि अब जमाना चेंज हो चुका है, अब जो काम करने का तरीका है वो अलग हो चुका है। मेरे ख्याल में आप सभी को पता होगा अमेज़न के बारे में भी पता होगा, उबेर के बारे में भी पता होगा, ओला के बारे में भी पता होगा, जोमेटो के बारे में भी पता होगा। ये वो चीजें जिनके पास अपना प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है बट ऑनलाइन काम करते और वर्ल्ड की टॉप कंपनी है ये। अमेज़न के बारे में बात करें या ओला या उबर के बारे में बात करें, ओला के पास एक भी अपनी टैक्सी नहीं है, जोमेटो का एक भी अपना रेस्टोरेंट नहीं है, पर इनकम की बात करें तो सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं। आज का जमाना ऑनलाइन का हो चुका है तो आप सक्सेस होंगे 101% होंगे। तो इन्हें भी कहीं जाना पड़ेगा कहीं, मतलब कहीं नहीं जाना, घर बैठ के काम करना है सारा दिन। Okay. पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी तो बात ये है, मैं पेरेंट्स हूँ, मैं पेरेंट्स के बतौर आपसे बात कर रहा हूँ, खुश हो जाएंगे पेरेंट्स की मेरा बच्चा सारा दिन हमारे घर के सामने है। अब उल्टा क्या होता है, मैं मालिक को करता हूँ, हमारी बाइक उठाए शहर का चक्कर लगा के या गाड़ी उठाए शहर का चक्कर लगा के या, तो उसका कहना होता है मेरे पास टाइम नहीं, हो गया ना उल्टा। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं तो बेटा बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर हो, घर के अंदर हो, बाहर नहीं जाना है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बाकी अभी हम गाड़ी भी प्लान कर रहे हैं, बड़ी जल्दी आप सभी के साथ नई गाड़ी शेयर करेंगे, बड़ी जल्दी आप सभी की ये गाड़ी बड़ी जल्दी आ रही है, बुकिंग हो चुकी है। अभी बताना नहीं, बट अभी हमने बुकिंग हो चुकी है, देखो कब डिलीवर होती है। ओके, तो 34,000 से इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कोई मैंने तो एक छोटी सी बात कही है कि 34,000 आप इन्वेस्ट करते हो तो उतना आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी के प्रोडक्ट्स है, अगर आप यूज करते हो तो आपको अपने आप पता लगेगा। उसके बाद साथ में बिजनेस भी मिल रहे हैं। अगर हम एक दुकान खोलते हैं तो 1-2 लाख रुपए हम दुकान की फिटिंग पे ही लगा देते हैं, फिर अर्निंग क्या होगी पता नहीं। बट मेरे को आपने दिया था जब मैंने स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उसको गालियां दी थी। आज मैं पछता रहा हूँ उस चीज को, अगर मैं उस वक्त इसका सपोर्ट करता है तो आज हम बहुत ऊपर होते हैं। और हम खुद ही नहीं ऊपर होते, हमारे साथ और ऐसे परिवार भी होते हैं। मैं खुद बच्चों के परिवार से मिलता हूँ, बात होती है मेरी तो वो रो पड़ते हैं उनके पेरेंट्स। उन ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सपना था, पेरेंट्स का सपना था कि हमारे घर 2-व्हीलर आए, पेरेंट्स का सपना था, पेरेंट्स अपना सारी उम्र निकाल दी, सपना पूरा नहीं हुआ, 2-व्हीलर नहीं आया। और इनके साथ जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने अपने पेरेंट्स को ला ला करके किसी ने गिफ्ट किया, जो पेरेंट्स के ड्रीम थे वो पूरे किए। उस वक्त पेरेंट्स का खुशी से क्या हाल होता होगा आप खुद इमेजिन करके। पेरेंट्स के ड्रीम पूरे कौन कर रहा है? बच्चा। और वही पेरेंट्स जो पहले अगेंस्ट, मेरे साथ खुद हो रहा है, मैं किसी को क्या कहूं, मेरे साथ खुद हो रहा है। सो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मन लगा के काम करो, कोई भी काम है मन लगा के करोगे, सच्चे दिल से करोगे तो सक्सेस कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो गिव अप नहीं करना गाइस, ठीक है? मैंने गिव अप नहीं किया, देखो बस एक दृढ़ निश्चय के साथ करो, यस आई कैन डू इट, तो यस आप जरूर 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 उसको कामयाब होंगे। थैंक यू। हां जी, थैंक यू सो मच। तो अंडरस्टैंड हुआ, टाइम टाइम की बात है ना, टाइम लगा बट क्या हो गया है ना, तो अब आपके ऊपर है, तो डोंट टेंशन, जिसने भी इनवाइट किया है ठीक है जी, तो गिव अप तो नहीं करोगे सभी? हाँ जी, कल को ऐसा ना हो कि आप भी ये सोचते रह जाओगे यार प्लेटफॉर्म मिला था, काश कर लिया होता, ठीक
ठीक है जी। तो लास्ट यही है कि अच्छे से वर्क करें, अच्छे से अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है जी। मैंने तो देखो मेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया था, मैंने दोस्तों से रिश्तेदारों से इधर उधर से कलेक्ट की थी मनी, ठीक है। बट अभी के लिए आप क्या करो, आप अपने अपलाइन को बोलो वो आपके पेरेंट्स से जरूर बात करेंगे, ओके। आपको पता है ना आप सही कर रहे हो, डोंट टेंशन, आप पेरेंट्स से बिल्कुल बात कर लेंगे, क्योंकि बाहर आपको पता ही मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, जॉब्स बिल्कुल खत्म है, आने वाले टाइम में काम ही सारे फोन के थ्रू होंगे, और यहाँ पे 18-18 साल के 19-19 साल के लोग इतना सारा कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, कोई कमी है आपके अंदर नहीं ना। मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो अभी 20 साल का ही हूँ, अगर मैं 20 साल की उम्र में इतना सक्सेस हो सकता तो आप सब भी हो सकते हो। तो जिसने भी इन्वाइट किया उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, कमिटमेंट करें कि आज ही अपना लेवल डन करना है, कैसे करना है वो आपके प्लान आपको अपने आप बता देंगे। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई विल कंप्लीट माई 2CC वेरी सून, हाँ जी। एंड पाकिस्तान का जो 2CC के अमाउंट है वो अराउंड अराउंड पाकिस्तान की जो करेंसी के हिसाब से है वो 60-80 के बीच में है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, पाकिस्तान की करेंसी डिफरेंट होती रहती है क्योंकि दुबई से होता है सारा, तो 60-80 के बीच में होगा पाकिस्तान का, वो आपके अपलाइन आपको क्लियर कर देंगे। इंडिया का जो है वो दैट इज अराउंड अराउंड दैट इज राइट नाउ जो इन जो है वो है 34,000। तो जिसने भी इन्वाइट किया उसे पैसे से करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, I will complete my 2CC soon. Soon need today करो, please message करें, dear message करो brother. I have watched full webinar. I will complete my 2CC today. बाकी कैसा लगा session? अच्छा लगा? I have watched full webinar. Please एक बार video on कर लीजिए सभी के सभी अपनी अपनी, ताकि मैं आप सभी को देख सकूं. Wow. I have watched full webinar. भले आप इंडिया से हो, भले आप पाकिस्तान से, भले आप कहीं से भी हो, message करें, I have watched full webinar. I will complete my 2CC today. ठीक है जी? आप अपने अपलाइन को जरूर बोल लें कि वो आपकी मानिक स्ट्रेटजी करवाएं, ओके। उन्हें बोल दें कि सर एक मानिक स्ट्रेटजी करवाएं मेरे ऊपर, ठीक है जी। वो आपकी मानिक स्ट्रेटजी करवाएंगे, उससे भी आपका लेवल हो जाएगा। एक आपके पेरेंट्स से बात करें, उससे भी आपका लेवल हो जाएगा। सो जल्दी से जल्दी अपने लेवल डन करें। आज से 3 दिन बाद मेरी पर्सनल मेंटरशिप शुरू होने वाली है, ओके जी। सो 3 डेज बाद मेरी पर्सनल मेंटरशिप शुरू होगी, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कैसे आप अगले 3-4 मंथ्स के अंदर मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, और पहले ही महीने 50,000 से ऊपर कैसे चेक लेके आ सकते हो। तो कौन लोग पर्सनल मेंटरशिप में आने वाले हैं, बट उस पर्सनल मेंटरशिप में जिसको भी आना है उसको अपना 2CC लेवल डन करके आना पड़ेगा। तो अगले 3 दिन के अंदर आपको अपने लेवल डन करने हैं। अगले 3 दिन के बाद मेरी पर्सनल मेंटरशिप होगी, जो ओनली एंड ओनली उन लोगों के लिए होगी जो अपना 2CC लेवल डन करेंगे। तो कितने लोग आ रहे हैं मेरी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर? अरे वाह, सभी आ रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सो करें अपना स्टार्टअप, ठीक है जी। तो जिसने भी इनवाइट किया है उसे स्क्रीनशॉट भेजें एंड टाइप करें, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, आई विल कंप्लीट माय 2CC सून। बाकी सेशंस कैसा लगा आज का सेशन? वैल्यू मिली तो आपको सारा कुछ क्लियर हो ही गया होगा, होप सो। अच्छे से लेवल को डन करें एंड काम को शुरू करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जिसने भी इनवाइट किया उससे अभी कॉल पे बात करें एंड मेरे पर्सनल मेंटरशिप की सीट बुक करवाएं, ओके। क्योंकि जो वो पर्सनल मेंटरशिप लगा लेते हैं ना, वो 8-8 महीने में सोरिंग मैनेजर भी बनता है, 8-8 महीने में 40 लाख से ऊपर भी कमाता है, ठीक है जी, और उसी साल के अंदर मैनेजर भी बनता है जो वो पर्सनल मेंटरशिप लगाता है, ओके जी। तो जो आप 34 करोगे या कुछ भी करोगे, आपका अगले ही मंथ वो रिकवर हो जाएगा। बाकी लास्ट ईयर इश्क है तो है ना, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड जिसने भी आपको इन्वाइट किया है उसे आप जरूर बात करें उनसे एंड अपना काम शुरू करें। बाय एवरीवन, टेक केयर। मैसेज ड्रॉप कर दिया आपने, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी पेरेंट्स की टेंशन ना ले, हम खुद बनवा लेंगे। पेरेंट्स की टेंशन ना ले, जिसने इनवाइट किया उन्हें बोले मानिक स्ट्रेटजी करवाएं, पेरेंट्स से बात करवाएं, अपने आप हो जाएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।